हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी, जो सीएचएसएल की नई वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। तो इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या रखी गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसी रहने वाली है, आपका एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनमें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 7 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आपकी जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो 8 मई 2024 आपकी फ़ीस पेमेंट डेट रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट जो आपकी रहेगी वो 10 और 11 रहने वाली है। अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 10 और 11 मई तक इसको करेक्शन कर सकते हैं। टीयर फर्स्ट की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो 1 से 12 जुलाई 2024 यानी 1 से 12 जुलाई 2024 तक आपके टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो टेंटेटिव डेट्स हैं ये आगे पीछे भी हो सकती हैं, जैसे कि अभी एसएससी का कैलेंडर आया है एक और, जिसमें एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जो भी आपके सीपीओ का एग्ज़ाम अभी होने वाला था वो अब आगे चल के अगले महीने में होगा, जून में होने वाला है। अभी मई में होने वाला था, अगर आप जून जून में कंडक्ट करवाएगी एसएससी। तो टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अभी कोई डेट नहीं दी गई है। तो आपका जैसे ही टीयर फर्स्ट हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसके लगभग 2 महीने बाद आपका टीयर सेकेंड का एग्ज़ाम करवाया जाता है। इसके आगे हम बात करें तो एज लिमिट के बारे में, तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल रखी गई है सभी पोस्ट के लिए। तो इसमें जो एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में। जो जो भी कैंडिडेट्स हैं इनमें इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही अप्लाई होगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, जैसे एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसे कहते हैं जीएसए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th मांगी गई है। किसी भी बोर्ड से, आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे वो 12th पास होने चाहिए जो है साइंस स्ट्रीम से, जिसमें इनके पास पीसीएम होना चाहिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप इस जो है डाटा एंट्री पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है, इसमें टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड दो टीयर रहते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस रहता है जो कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी टेस्ट बेस्ड होता है आपका। टीयर सेकंड की बात करें तो ये भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही इसमें भी आते हैं, और प्लस स्किल टेस्ट रहता है जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और टीयर सेकंड विल बी इंक्लूड 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स, यानी आपका 3 सेक्शंस में टीयर सेकेंड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें भी आपका सीबीटी ही होगा, और इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे आपने अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करवाई जाएगी। इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट है, और जो हिंदी की टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट है। तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सी टाइपिंग प्रिफर करनी है, कौन सी टाइपिंग के लिए आपको जाना है। इसके आगे हम बात करते हैं टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो टीयर फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अर्थमेटिक स्किल्स आती हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज यानी बेसिक लैंग्वेज आपकी रहती है। सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी आपका 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। आपको जो पेपर सॉल्व करने के लिए है वो 60 मिनट दिए जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट्स मतलब दिव्यांग होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए 80 मिनट पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो आप जो है इस एग्ज़ाम पैटर्न को देख लें, आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसके आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 2 की सैलरी रहती है 19,900 से 63,200 रुपये। पीए और एसए की सैलरी आपकी लेवल 4 की रहती है 19,900 63,200 रुपये। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो रहते हैं उनकी 4थे और 5वें की पे लेवल रहता है, इसमें 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 4 वाले को मिलते हैं, और लेवल
फाइव वालों को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये सैलरी रहती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें तो पे लेवल 4 मिलता है 25,500 से 81,100 रुपये। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, आप इसे देख लीजिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कट ऑफ क्या गई है टीयर वन की। तो टीयर वन में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो लोअर डिवीजन क्लर्क और जीएसए के लिए 153 नंबर गई है, और सीएजी एंड डीसीए के लिए 169 नंबर, और अदर पोस्ट के लिए 169 नंबर गई हुई है। तो आप देख लीजिए कि कट ऑफ जो है काफ़ी ठीक ठाक जाती है इस एग्ज़ाम की। 200 में से अगर 170 नंबर जा रही है तो काफ़ी हाई जो है आपकी कट ऑफ रहती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। SC ST के लिए जो 136 124 नंबर गई हुई है, OBC के लिए 152 नंबर, 169 नंबर, और अदर पोस्ट के लिए 154 नंबर रही है। EWS 151, ESM 102, फिर बाकी जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए अलग ही यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपकी कट ऑफ गई है 2023 में, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी करंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।